तो प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। कई जिलों का तापमान सामान्य से नीचे है। जयपुर, सीकर, चूरू का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे है। अलवर, भरतपुर का तापमान भी सामान्य से नीचे है। घने कोहरे से लोगों का जनजीवन अप्रभावित हो रहा है। तापमान कम होने से ठिठुरन बढ़ गई है। कोटा में 5 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। जयपुर के स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। तो ये ठंड प्रचंड है, क्योंकि देखिए दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है और घने कोहरे से लोगों का जनजीवन भी अब प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। कोहरे और तापमान कम होने से ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा की अगर हम बात कर ले तो 5 दिन से सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। सवाईमाधोपुर में ठंड से लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। चारों तरफ धुंध भी नजर आ रही है, विजिबिलिटी भी कई जगहों पर कम नजर आ रही है। जयपुर, सीकर का जो तापमान है वो सामान्य से नीचे है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे श्री गंगानगर से लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। जो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है उसमें लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर तापमान सामान्य से भी नीचे पहुंच चुका है। अभी श्री गंगानगर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है, जरा तस्वीर दिखाइए। देखिए आयुषी, नए साल 2024 का पहला सप्ताह गुजरने को है और पहले सप्ताह के 6 दिनों की जो बात करें तो देखिए श्री गंगानगर जिले में कोल्ड वेव और वेरी कोल्ड वेव की स्थितियां बनी हुई है। यहां तक कि घना कोहरा भी दिखाया गया। मैं आपको अभी की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे के साथ साथ वेरी कोल्ड डे का एक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका अच्छा खासा असर देखा जा सकता है। हालांकि जिला मुख्यालय पर यह कोहरा उतना डेंस नहीं है, लेकिन हम जैसे जैसे जिला मुख्यालय से बाहर रूरल एरिया की तरफ जाएंगे आयुषी, तो ये कोहरा बहुत ज्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है। और जब सड़कों पर घना कोहरा होता है तो ना केवल सड़क यातायात प्रभावित होता है बल्कि जो रेल मार्ग होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए ट्रेनों के देरी की वजह चलने की वजह से रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान पड़े हैं। दिल्ली से बीकानेर जाने वाली वाया गंगानगर वो ट्रेन लगभग 1.25 घंटे की देरी से चल रही है, तो वहीं कोटा श्री गंगानगर ट्रेन भी लगभग 1.5 घंटे की देरी से चल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कल से यानी कि 7 जनवरी से प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है, लेकिन उसका असर श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में 8 या 9 जनवरी को देखने को मिलेगा। उस दौरान जरूर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि पश्चिमी विक्षोभ जब सक्रिय होगा तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, लेकिन गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में इसका असर 8 और 9 जनवरी को ही देखने को मिलेगा। यानी कि अगले 2 दिन 6 और 7 जनवरी को श्री गंगानगर सहित बीकानेर संभाग में हाड़ कपकपाने वाली ठंड का दौर जारी रहेगा। सीवियर टू वेरी सीवियर कोल्ड वेव लगातार जारी है। लोग अपने घरों से बाहर कतई नहीं निकल रहे हैं, बहुत आवश्यक काम होने पर ही निकल रहे हैं, और जो लोग घरों में हैं वो भी इस हाड़ कपकपाती ठंड से राहत पाने के लिए ना केवल हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं बल्कि पूरी तरह से अपने खान पान और पूरी आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तो लोग अब घरों में ही दुबके हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं।